तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं सदन ठीक ही होंगे। तो हमारे बोरूटो का एपिसोड 252 फाइनली आ चुका है। एंड इस एपिसोड के अंदर मुझे पीसिंग थोड़ी कुछ ज्यादा ही स्लो लगी थी, पर चिंता की बात नहीं है क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर उस पीसिंग को कवर अप कर लूंगा। तो हाँ, इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे जल्दी से चेकआउट कर लीजिए क्योंकि वहां पर भी हम बोरूटो के अलावा काफी अच्छे अच्छे ऑसम एनिमे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसे देखने में ऑफकोर्स आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हमने हाल ही में इसे हिट मैजिशियन जैसी एक काफी कमाल की सीरीज को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चेकआउट करना मत भूलना। तो बिना टाइम पर बात किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बोरूटो, सारदा एंड मित्सुकी को, जो कि एक आइलैंड पर होते हैं एंड उन्हें एक शिप की तलाश होती है। वो लोग इस बारे में कुछ शिप बिल्डर से भी बात करते हैं, लेकिन वो शिप बिल्डर उन्हें कहते हैं एक वार के बीच में कोई बेवकूफ बंदा ही भर जाएगा, इसलिए हम तुम्हें बोट नहीं दे सकते, हमें माफ कर दो। हमारे बोरूटो वगैरह काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं बॉस काउजी और वो हमारे बोरूटो को आवाज लगाते हैं। हमारे बोरूटो उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है एंड बोरूटो उनसे कहता है आप काफी परफेक्ट टाइम पे आए बॉस काउजी। ये सुनकर बॉस काउजी कहता है हाँ, मुझे उस फाइट में आना ही था क्योंकि आखिर एकादश फाइट में शामिल जो रखा है वो एक फुनातों का बंदा है, ये बात तो मुझे पहले ही पता लग गई थी, पर मुझे लगा नहीं था कि वो सच में ऐसा सब करेगा। खैर जो भी हो बोरूटो, इस वक्त बस मैं तुम पे रिलाई कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज एकादश को पहले जैसा बना दो। हमारा बोरूटो कहता है हाँ, मैं अपना 100% दूंगा। एंड देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एकादा को, जो कि अपनी फुनातो की आर्मी को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। उसके आगे काफी खतरनाक लहर भी आती है, बट वो उसकी पावर का यूज करके उस लहर के बीच में से एक रास्ता बना देता है, जिस रास्ते में से उनकी शिप काफी अच्छे से पार हो जाती है। आरुमी भी देखकर काफी खुश होता है एंड वो याद करता है उनके पास्ट को। और हमें दिखाया जाता है एकादा को, जो कि अभी एक छोटा बच्चा होता है एंड वो काफी ज्यादा कमजोर होता है, लाइक लिटरली काफी ज्यादा कमजोर। आरुमी को एकादा से उस वक्त कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस वक्त चाह रहा था कि काश वहां पर तेनमा और सीरिन भी होते जो हमारे एकादा को इस तरह देख पाते। तेनमा एंड सीरिन के बारे में सोचने के बाद हमारा आरुमी सोचता है इजारी के बारे में एंड हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। हमारे आरुमी को इजारी का चेला सब कुछ बता देता है कि इजारी ने क्या क्या प्लान किया है और वो आरुमी से इजारी को रोकने के लिए भी कहता है। हमारा आरुमी सारी बात सुनने के बाद जाता है इजारी के वेपन के पास और वो कहता है काफी साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है तुम अभी भी मेरी बात मानते हो, इसलिए प्लीज सही वक्त आने पर इजारी को मार देना। एंड उसके ऐसे कहते ही वो जो उसका वेपन होता है वो चैंट हो जाता है। ये सब करने के बाद आरुमी कहता है इजारी पता नहीं क्यों तुम हमारे फुनातों की परंपरा को भूलते जा रहे हो, अब जब वार स्टार्ट हो चुका है तो हम इस वार को बीच में रोक नहीं सकते, हमें इसे कंटिन्यू करना ही होगा। एंड देन इतने में सीन चेंज होता है हमारे बोरूटो की ओर। बॉस काउजी बोरूटो से कहता है मैं इसके आगे नहीं जा सकता, लेकिन हमारा बोरूटो कहता है आपका शुक्रिया इतना काफी है। बट तभी दो हिडन मिस्ट के सोल्जर हमारे बोरूटो से पूछते हैं तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारा बोरूटो उनसे कहता है मैं डनली विलेज का बोरूटो जुमाकी हूँ और मैं यहाँ पर लॉर्ड मिज़ुकागे से मिलने आया हूँ। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है हमारा बोरूटो लॉर्ड मिज़ुकागे के पास चला जाता है एंड वो चुजुरो को उसके स्वॉर्ड भी रिटर्न करता है। एंड उसके स्वॉर्ड रिटर्न करने के बाद हमारा बोरूटो उससे कहता है कागुरा वो हमें बचाते वक्त मर गया था, हमने उसे बचाने की काफी कोशिश करी लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। चुजुरो उनसे कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट किया, पर तुम यहाँ पर शायद कागुरा को अवेंज करने आए हो है ना, अगर हाँ तो ये काफी अच्छी बात है। बट हमारा बोरूटो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर इस फाइट को रोकने आए हैं, हम यहाँ पर इस वार को एंड करने आए हैं। चुजुरो सुनकर कहता है वार को एंड करने, लेकिन तुम ये करोगे कैसे? हमारा बोरूटो उससे कहता है हम चाहते हैं कि हिडन मिस्ट वाले उनकी आर्मी को वापस ले ले। बट ये सुनने के बाद हमारे चुजुरो की असिस्टेंट कहती है तुम पागल तो नहीं हो गए क्या, फुनातो ने आगे होकर हम पर अटैक किया है और अब जब वो शिनोनोमे वन को तबाह करने आ रहे हैं तो इस वक्त तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारा बोरूटो सुनने के बाद कहता है लेकिन क्या तुमने एक बार भी उनसे बात की थी? इस बात पर हमारे चुजुरो की असिस्टेंट कहती है हाँ तुमने सही कहा, कल इजारी और फुनातो यहाँ पे आया था और वो हमसे वार को एंड करने के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसका वेपन खुद से कंट्रोल नहीं हो पाया और उसके वेपन ने लॉर्ड चुजुरो की जगह उसको खुद को ही मार दिया। देन चुजुरो कहता है तो इसलिए हम ये सब नहीं कर सकते, तो ठीक है अब अपना ध्यान रखना। चुजुरो वहां से जा ही रहा होता है लेकिन तभी हमारा बोरूटो से कहता है लॉर्ड मिज़ुकागे मैं इस बारे में एकादा से बात करूंगा, मुझे पता है एकादा मेरी बात जरूर मानेगा। एकादा का नाम सुनने के बाद चुजुरो कहता है एकादा तुम उसे जानते हो, वो फुनातो का एक काफी खतरनाक बंदा है। बोरूटो सुनने के बाद कहता है खतरनाक नहीं ऐसा नहीं है, उसने हमारी सबसे पहले मदद करी थी, जब हमारी बोट खराब हो गई थी तो उसने हमारी बोट को रिपेयर किया था और उसने हमें रहने के लिए जगह भी दी थी, असल में वो काफी अच्छा बंदा है। चुजुरो के असिस्टेंट सुनने के बाद कहती है क्या तुमने इनके कल का ब्रॉडकास्ट नहीं सुना? अगर तुमने वो सुना है तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि अब तुम्हारा वाला एकादा नहीं है, ये काफी ज्यादा बदल चुका है। हमारे बोरूटो कहता है हाँ मुझे पता है ये क्यों बदला है और मुझे लगता है कि अगर मैं इससे बात करूंगा तो सब सही हो जाएगा, मुझे इस पर भरोसा है और इसे मुझ पर, इसलिए प्लीज मुझे लगता है कि अगर मैं इनसे बात करूंगा तो फुनातो अपनी आर्मी को वापस ले लेगी और मैं चाहता हूं कि एक बार जब फुनातो उनकी आर्मी को वापस ले ले तो हिडन मिस्ट भी ठीक ऐसा ही करे। ये सुनने के बाद चुजुरो थोड़ी देर तक सोचता है और वो कहता है लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए जाओ और इस वार को रोक लो।
बट इतने में सीन चेंज होता है हमारे कियो बुंटान मेटली टैंकी एंड इवाबी की ओर, जो कि अभी भी बच्चों जैसे आपस में लड़ रहे होते हैं। हमारा मेटली उनसे कहता है, आखिर हम कब तक लड़ते रहेंगे, हम लोग यहाँ पर बैठ कर लड़ रहे हैं और वहाँ पर हिडन मिस्टर सोनातो के बीच में वार स्टार्ट होने वाला है। हमारे ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, हमें वहाँ पर जाना होगा अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो। हमारी बुंटानी सुनने के बाद कहती है, हाँ ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, पर फिर भी हम सोनातो की आर्मी के अगेंस्ट रहेंगे, तुम समझ गए है ना। बट हमारे इवाबी को ये आंसर अभी भी पसंद नहीं आता, लेकिन तभी सीन चेंज होता है। हमारा बुरुटो सरदा से कहता है, तो अब हमें चलना चाहिए। मित्सुकी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। एंड अब वो लोग अपनी शिप में बैठकर बढ़ रहे होते हैं सोनातो की ओर। उनको वहाँ पर जाता देखकर हमारी चोजोरो की असिस्टेंट उससे कहती है, क्या सच में इन्हें वहाँ पर भेजना सही रहेगा। चोजोरो इस पर कहता है, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बोरुटो है, मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास है, इसने पास्ट में कागुरा को भी चेंज कर दिया था, तो मुझे लगता है कि ये इकादा को भी चेंज कर सकता है। एंड अब वहीं पे सीन वापस से चेंज होता है हमारे सोनातो की आर्मी की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही जोश में होती है। वो कहती है, हमें शिनोनोमे वन को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, ये हिडन मिस्ट वाले सी को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते, क्यों है ना इकादा। हमारा इकादा कहता है, हाँ आपने सही कहा, पूरी सोनातो की आर्मी काफ़ी ज़्यादा ही जोश में होती है। लेकिन इतने में सीन चेंज होता है हमारे हिडन मिस्ट की आर्मी की ओर। मिज़ुका आगे उसकी आर्मी से कहता है, ये लोग शिनोनोमे वन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो कि हम कभी नहीं होने दे सकते। शिनोनोमे वन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए हमें इन सोनातो वालों से लड़ना ही होगा। हिडन मिस्ट की आर्मी भी काफी ज्यादा ही जोश में होती है। और इसके बाद सीन दिखाया जाता है बोरुटो का। सारदा उससे पूछती है, बोरुटो क्या तुम सच में इकादा से बात कर पाओगी, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि अब इकादा पहले जैसा रहेगा, वो इस थोड़े से टाइम में काफी ज्यादा ही बदल चुका है। मित्सुकी भी हमारे सारदा की बातों के ऊपर एग्री करते हुए बोरुटो से सेम क्वेश्चन पूछता है। हमारा बोरुटो कहता है, हाँ मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे इकादा पर भरोसा है, मुझे पता है अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो मेरी बात सच में मानेगा, क्योंकि इन दी एंड मेरी वजह से तो वो ऐसा बना है। हमारी सारदा उससे कहती है, अगर तुम्हारी बातों का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा तो तुम क्या करोगे। हमारा बोरुटो कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे ऊपर विश्वास करो, सारदा एंड मित्सुकी। और इसी के साथ आज का ये हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज नेक्स्ट एपिसोड के अंदर काफी खतरनाक वार होने वाला है या फिर हमारा बोरुटो टोकनोजुत्सु यूज करने वाला है, इन दोनों में से एक चीज ही होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, अगले एपिसोड के अंदर टोकनोजुत्सु चलेगा या फिर वार होगी, कमेंट करके जरूर से बताना। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट कर सकते हो, वहां पर भी हम काफी ऑसम एनीमे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यार लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।